नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। क्रिकेट इतिहास में पहली बार रेड कार्ड का इस्तेमाल हुआ। वैसे रेड कार्ड, येलो कार्ड आदि अपने फुटबॉल में सुना होगा, लेकिन पहली बार अंपायर ने इसे क्रिकेट में भी इस्तेमाल किया है। रेड कार्ड के बाद CPL के किरण पोलार्ड की टीम को 10 प्लेयर्स के साथ खेली सुनील नारायण को बाहर जाना पड़ा। कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच में रेड कार्ड का इस्तेमाल हुआ। त्रिनिबागो नाइट राइडर्स के कप्तान किरण पोलार्ड हैं। इसी टीम में शामिल सुनील नारायण को रेड कार्ड के बाद बाहर जाना पड़ा। टीम 10 प्लेयर्स के साथ खेली, हालांकि बावजूद इसके वह 6 विकेट से मैच जीत गई। क्रिकेट में पहली बार रेड कार्ड का नियम देखने को मिल रहा है। यह कैरिबियन प्रीमियर लीग में नियम लाया गया है जो स्लो ओवर की रेड को कारण दिया जाता है। IPL से लेकर अन्य लीग और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में काफी मैच हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो तय समय से ज्यादा चलते हैं, हालांकि उसमें फाइन लगाया जाता है। IPL में अतिरिक्त फील्डर 30 गज की सीमा के अंदर रहता है, लेकिन रेड कार्ड का इस्तेमाल पहली बार किसी लीग में हो रहा है। अंपायर ने 19वें ओवर के बाद त्रिनिबागो नाइट राइडर्स की स्लो ओवर रेट के दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया। पोलार्ड ने सुनील नारायण को बाहर भेजा और इसके बाद टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। मैच की बात करें तो त्रिनिबागो नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पोलार्ड की टीम नाइट राइडर्स 17 गेंदों बाकी रहते लक्ष्य को हासिल कर 6 विकेट से जीत दर्ज की। निकोलस पुरन ने 32 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के जड़े। आंद्रे रसल ने अंतिम ओवर में 8 गेंदों पर 23 रन बनाए। और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।